हेलो फ्रेंड्स, विकल्प अल्फा क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। देखिए, ये टॉपिक केमिस्ट्री का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इस टॉपिक से कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें एक ना एक क्वेश्चन आपका इससे पूछा जाता है। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, स्पेशली अगर उनमें साइंस आ रही है, तो साइंस से ये समझो 4 से 5 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेंगे। यानी कि ओवरऑल केमिस्ट्री में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो आपको एक प्रॉमिस भी करना है कि आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप हाइड्रोकार्बन से कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको हाइड्रोकार्बन आज आपके दिमाग में फीड कर दूंगा, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छे से इसको समझना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन, तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन होते क्या है। तो देखो, जैसे इसके नाम में लिखा है हाइड्रो, ये आपको दिखाई पड़ रहा है हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है फ्रेंड्स हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। और जैसे यहाँ पर लिखा है कार्बन, तो कार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बन। ठीक है ना, यानी ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स उन कंपाउंड्स को कहा जाता है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना, तो पहली डेफिनेशन ये हो जाएगी कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बने होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कि वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब कौन से कंपाउंड होते हैं? जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल लें, तो जैसे हमने ये लिखा मीथेन CH4, ये क्या है? मीथेन है। तो इसे हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें देखो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई सब्सटेंस नहीं है। ठीक है ना, ऐसी बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे आपके। जैसे हो गया C6H6, तो ये भी क्या है? ये बेंजीन का फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो C6H6 आ रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा, तो ये भी आपका हाइड्रोजन का हाइड्रोकार्बन हुआ एक। ठीक है ना, और एग्जाम्पल देखें तो C2H6, ये आपका ईथेन हो गया। इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। यानी सिंपल सा आपको याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन में सिर्फ आपको दो ही चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक कार्बन मिलेगा और एक हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है ना, तो ये होता है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं, उनके फिर फर्दर टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हाइड्रोकार्बन होते हैं वो फ्रेंड्स 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब जो हमने हाइड्रोकार्बन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, वो किस बेस पर डिवाइड किया है? तो फ्रेंड्स, एक शब्द है जिसको आपको याद रखना है, उसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। ये शब्द आपने केमिस्ट्री में बहुत यूज होता हुआ देखा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो सिंपल सा है कि जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है दूसरे एटम के साथ, ध्यान से सुनना, कि जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है दूसरे एटम के साथ और अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, तो उस समय जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है ना, तो सिंपल से अगर हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होते हैं, कि जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वहाँ पर किस टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं? तो हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है ना, अब ये कोवेलेंट बॉन्ड आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंगल बॉन्ड। पहला क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें जो साइन, उसके जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, एक लाइन खींचते हो। ठीक है ना, दूसरा होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में यहाँ पर 2 लाइनें होती हैं। ठीक है ना, तीसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें रिप्रेजेंट करने की ये 3 लाइनें होती है। ठीक है, जहाँ पर आपको इस तरीके की लाइन दिखाई पड़े, समझ लेना वहाँ सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। जहाँ पर ये 2 लाइनें दिखाई पड़े, समझ लेना वहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। और जहाँ पर ये 3 तरीके की लाइन दिखाई पड़े, तो समझ लेना वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है ना, अब ये बॉन्ड फॉर्म कब होते हैं? देखो सिंपल सा है, सिंगल बॉन्ड कब फॉर्म होंगे? तो नाम में सिंगल आ रहा है कि जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है किसी दूसरे के साथ। ठीक है ना, जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो वहाँ पर किस टाइप के बॉन्ड बनेंगे? सिंगल बॉन्ड। जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी तो वहाँ पर बनेंगे डबल बॉन्ड, और जहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी तो वहाँ पर बनेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इन कोवेलेंट बॉन्ड जो मैंने सिंगल, डबल और ट्रिपल आपको बताए हैं, इन्हीं की बेस पर हमने हाइड्रोकार्बन को फ्रेंड्स 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो कौन से 2 पार्ट है।
तो फ्रेंड्स देखिए, हाइड्रोकार्बन को हमने कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो वो दो पार्ट्स कौन से होते हैं आपको याद रखना है। एक को बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हिंदी में इसको बोला जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और इसको बोला जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक चीज़ याद रखनी है, इस जो हाइड्रोकार्बन टॉपिक है इसको आप इंग्लिश में समझोगे तो उतना ही बेटर रहेगा और सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट से ही आप समझ जाओगे कि कौन कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको समझा दूंगा। हालांकि मैं यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, ये क्वेश्चन आपका आता है कि हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपको याद रखना है टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, तो एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। इसको बोला जाता है संतृप्त और इसको बोला जाता है असंतृप्त, ठीक है। अब ये मैंने अभी आपको बताया किस बेस पर हमने इनको डिवाइड किया, तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की बेस पर, ठीक है ना। अब ये होते क्या है, तो देखो सिंपल सी डेफिनेशन है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किन को कहा जाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी फ्रेंड्स, कि वो हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उन हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कोवेलेंट बॉन्ड दो तीन प्रकार के होते हैं, सिंगल डबल और ट्रिपल। उसमें से जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है उनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। अब बचा कौन, डबल और ट्रिपल। तो डबल और ट्रिपल वाले कौन हो जाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी जो डबल बॉन्ड बनाएगा वो भी आपका अनसैचुरेटेड होगा, और जो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा वो भी आपका कैसा होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है ना। इनके सैंपल भी याद रखने हैं आपको, क्योंकि जब आप इनका फिगर फॉर्मूला बना रहे होगे, यानी ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन आपको मिल गया जो अनसैचुरेटेड है, और अगर आप उसका फॉर्मूला खोलोगे तो हो सकता है आपको डबल बॉन्ड मिलेंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे। बट अगर सैचुरेटेड का अगर कोई फॉर्मूला आप बनाओगे तो उसमें सिंगल ही बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन केवल सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन से होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। अब इनको हमने अलग अलग नाम दे दिया है, यानी होते तो सैचुरेटेड ही हैं, बट सिंगल बॉन्ड को अलग नाम दे दिया, डबल बॉन्ड को अलग दे दिया, और ट्रिपल बॉन्ड को हमने एक अलग नाम दिया है, ठीक है। तो उनको हमने क्या क्या नाम दिए हैं, आइए मैं बताता हूँ। देखिए, जो सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड में जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं आपको याद रखना है, उसे हमने बोला है एल्केन, एल्केन्स, ठीक है ना। यानी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, एल्केन्स बोलेंगे। ऐसे ही अनसैचुरेटेड में जो डबल बॉन्ड बनाएंगे फ्रेंड्स उनको हम बोलते हैं एल्कीन्स। आपको अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि सिर्फ एक वर्ड से पूरा नाम चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ऐसे ही देखिए, जो ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे उनको हम बोलेंगे एल्काइन्स, एल्काइन्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले के जो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे उनको हमने नाम दिया एल्किन्स, जो आपके डबल बॉन्ड बनाते हैं वो होते हैं एल्कीन्स होते हैं, ठीक है ना, और जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं वो एल्काइन्स होते हैं, ठीक है। यानी आपको लास्ट के चार वर्ड को फोकस करना है। यहाँ पर क्या आ रहा है, एएनई, ठीक है, मैं यहाँ पर साइड से लिख देता हूँ। इसके लास्ट तीन वर्ड पर ध्यान देना है, तीनों में अंतर क्या है, इसमें ए एन ई आ रहा है लास्ट में, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आ रहा है ई एन ई लास्ट में, एल्कीन, और अगर हम इसकी बात करें एल्काइन्स की तो इसमें आ रहा है बाई एन ई। ये होता है तीनों में डिफरेंस, ठीक है ना, कि एल्केन्स में ए एन ई आता है, एल्कीन्स में ई एन ई आता है, और एल्काइन्स में बाई एन ई आता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ध्यान से, अब एल्केन्स क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि तीन ऑप्शन दे देगा, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइन्स, इनमें से कौन डबल बॉन्ड बनाता है। तो आपको पता होगा तभी बता पाओगे कि एल्कीन्स डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, एल्काइन्स ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। याद करने का सिंपल सा ट्रिक याद कर लो, देखो यहाँ पर ए एन ई आ रहा है, यहाँ ई एन ई आ रहा है, यहाँ बाई एन ई आ रहा है। तो देखो ये ए बी सी डी का बढ़ता हुआ क्रम है, इनका फर्स्ट लेटर। जैसे यहाँ पर ए आया, ए के बाद अल्फाबेट में ई आता है, फिर अल्फाबेट में क्या आता है, बाई आता है। तो सबसे पहले ई आता है तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद ई आता है तो डबल बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद बाई आता है तो वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं इनके नाम, डबल बॉन्ड एल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन्स, और सिंगल बॉन्ड कौन होते हैं, एल्कीन्स, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि हमने हाइड्रोकार्बन थे उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड कौन से होते हैं, तो एल्कीन्स होते हैं, वो सैचुरेटेड होते हैं, और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, एल्कीन्स और एल्काइन्स जो होते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखो
इनको बनाने का एक जनरल फॉर्मूला भी दिया गया है, ठीक है, वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फिर उन फॉर्मूले से कंपाउंड हम बनाते हैं, कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, और उनका जो नेमिंग होता है वो भी हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको इन सब का एक फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो फॉर्मूला क्या है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला रहेगा आपके लिए, ठीक है। एग्जाम में सीधा फार्मूला आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको याद रखना है, जितने भी एल्किन्स बनते हैं इनका जो जनरल फार्मूला होता है, जितने भी एल्किन्स बनते हैं इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये होता है एल्किन्स का जनरल फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अभी आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, वहां तो इससे तीन तीन चार चार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और सीधा पूछ लिया जाता है कि एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या है, इनमें से कौन एल्केन्स है, इनमें से कौन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कौन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अच्छे से आपको इनको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एल्किन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है CnH2n। अब यहाँ एन क्या होता है और इनका मतलब क्या होता है, ये अभी हम आगे समझेंगे। बस अभी आपको याद रखना है कि एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, और एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। यानी दो दो कम होते जाते हैं फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ प्लस दो था, दो हट गया, सिर्फ 2n बचा, फिर से दो माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इन तीनों का जनरल फार्मूला। एल्केन्स का होता है CnH2n+2, एल्किन्स का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। क्लियर हुआ है यहाँ तक? मेरी आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सिंपल सा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन होते हैं जिसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, अनसैचुरेटेड में एल्किन्स आ जाता है और एल्काइन्स आ जाता है जिनका फॉर्मूला CnH2n और CnH2n-2 होता है, ठीक है। और यहाँ पर एन क्या होता है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन होते हैं, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो इनके जनरल फॉर्मूले की, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2, और इसके लास्ट में हम क्या ऐड करते हैं, तो हम बोलेंगे AnE ऐड करते हैं, ठीक है। एल्किन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n, और लास्ट में क्या हम ऐड करेंगे इसमें, प्लस AnE। ऐसे ही देखिए एल्काइन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, और इसमें लास्ट में क्या ऐड करेंगे, BiNe। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब चलिए हम इनके कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड का नेम कैसे रखते हैं वो भी मैं अब आपको समझाऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें सीरीज बनती है जिसे हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, वो क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है आपकी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं हाइड्रोकार्बन्स जो मैंने आपको बताए उनकी नेमिंग करना और उनसे किस तरीके से फॉर्मूला बनता है और उनका नाम कैसे डिसाइड होता है वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तीन चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, एल्केन बताया, एल्किन बताया, और मैंने एल्काइन बताया, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि एल्केन में हम लास्ट में क्या ऐड करेंगे, तो हम लास्ट में ऐड करेंगे AnE, क्योंकि इसके पीछे क्या है, AnE, ठीक है ना। ऐसे ही एल्किन में हम लास्ट में क्या ऐड करेंगे, EnE ऐड करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही मैं बोलूँ एल्काइन में हम लास्ट में क्या ऐड करेंगे, तो BiNe ऐड करेंगे, ठीक है ना। और जनरल फार्मूले भी मैंने आपको बताए थे अभी कि इसका जो जनरल फार्मूला होता है एल्केन का, ये होता है CnH2n+2। एल्केन का, एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, और एल्काइन होता है, इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, ठीक है। अब यहाँ पर ये एन क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ यहाँ एन क्या होता है, तो एन होता है नंबर ऑफ कार्बन का एलिमेंट या एटम, कि कार्बन के कितने यहाँ पर एटम है या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमें डिसाइड करना होता है एन से। अब एन की वैल्यू ये होती है, अब देखो जो कार्बन होता है, कार्बन की प्रॉपर्टी होती है लॉन्ग चेन बनाने की, जैसे हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आप एन की वैल्यू इस फॉर्मूले में चाहे एक रखो, 50 रखो, 10 रखो, 1000 रखो, जितना मन चाहे उतनी रख लो आप, कार्बन एक नया कंपाउंड बना देता है, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप एन की जितनी वैल्यू रखोगे उतने कंपाउंड्स बनते जाएंगे, ठीक है ना। बट हमें मैक्सिमम पेपर में कहाँ तक आते हैं, 10 तक। अगर ज़्यादा ही पेपर वो हार्ड करेगा तो 10 तक देगा, वरना 4 तक ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें बस एक या दो इनमें से देखकर मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप बनाना चाहो तो आप उतने जितने चाहो उतने कंपाउंड बना सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये कार्बन की खुद की प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एल्केन की। तो देखो एल्केन में सबसे पहले हम एन की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है ना। तो 1 रखेंगे,
तो वन का जो नाम होता है ये आपको याद रखने के, अगर एन की वैल्यू वन रखोगे तो मैथ है, और मैथ में प्लस क्या करोगे, अगर आप एल्केन बना रहे हो तो प्लस ए एन ई करोगे, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे ई टी एच है तो इसमें कितना जोड़ोगे, पीछे ए एन ई अगर आप एल्केन बना रहे हो। कैसे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू वन रख रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो वन रखो तो सी वन एच टू इंटू वन प्लस टू हो जाएगा, इसे करेंगे तो सी वन एच टू वन जै टू कितना हो गया फोर, वन लिखते नहीं है तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, सी वन यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा एच फोर, ठीक है ना। तो अगर हम एन की वैल्यू वन रखेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, सी एच फोर। अब इसका नाम कैसे रखेंगे वो देखो, अब सबसे पहले देखो हमने एन की वैल्यू वन रखी, ठीक है ना, तो वन पे क्या है एम ई टी एच, तो यहाँ पर लिख लो एम ई टी एच, ठीक है। अब इसमें प्लस करो, प्लस क्या करो कि अब पहले तो देखा एन की वैल्यू वन रखी तो वहाँ से एम ई टी एच लिख लिया, अब ये देखो ये एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है, तो आप देख रहे हो कि हम एल्केन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाए एल्केन का लगाया, तो इसमें प्लस क्या करेंगे ए एन ई, ठीक है ना। तो जब मैथ में ए एन ई जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स ये बन जाएगा मीथेन, तो ये फार्मूला होता है मीथेन गैस का, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी कार्बन कंपाउंड्स को आप बना सकते हो ईजिली। एक और मैं बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एन की वैल्यू चार रख के बताता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो एन की वैल्यू हम रखेंगे फोर, तो फोर रखो तो सी फोर एच टू इंटू फोर प्लस टू बन जाएगा, सी फोर एच टू फोर जाए एट और कितना हो गया टेन। तो हमने जब एन की वैल्यू चार रखी तो सी फोर एच टेन ये फार्मूला बन गया। अब इसका नाम क्या होगा, तो जैसे मैंने यहाँ बताया वैसे ही आप नाम इसका डिसाइड कर लो। देखो एन की वैल्यू चार रखी, चार पर क्या है बी यू टी, तो यहाँ पर बी यू टी लिख लो, और आपने फार्मूला किसका लगाया एल्केन का, तो प्लस कितना करेंगे इसमें ए एन ई, तो बी यू टी में ए एन ई जोड़ेंगे फ्रेंड, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन, क्या बन जाएगा ब्यूटेन, ठीक है ना। इस तरीके से इसका फार्मूला बन गया ब्यूटेन। ऐसे ही आप अगर आप पाँच रखोगे तो पेंटेन बन जाएगा, छः रखोगे तो हेक्सेन बन जाएगा, सात रखोगे तो हेप्टेन बन जाएगा, आठ रखोगे तो ऑक्टेन बन जाएगा, और दस रखोगे तो डेकेन बन जाएगा। सब में ए एन ई पीछे जुड़ता जाएगा अगर आप इस फॉर्मूले से बनाओगे तो, क्योंकि ये फार्मूला किसका होता है एल्केन का होता है, ठीक है ना। ऐसे हम बात करते हैं एल्कीन की, एल्कीन की जनरल फार्मूला होता है सी एन एच टू एन होता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर हम सी एन एच टू एन इसमें रखेंगे फ्रेंड्स, तो देखो ध्यान से एन की वैल्यू वन रख के देखो आप, एन की वैल्यू वन तो रखो यहाँ पर सी वन और एच टू इंटू वन, क्या बना सी वन एच टू, ठीक है ना। अब वन लिखते नहीं है तो इसको हम क्या लिखेंगे सी एच टू, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो ये क्या कंपाउंड पॉसिबल हो सकता है सी एच टू, तो हम बोलेंगे सी एच टू कोई भी कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं चार अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं फ्रेंड्स, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन तो यहाँ पर दो ही हैं, चार तो हाइड्रोजन हुए ही नहीं, तो जब चार चार हाइड्रोजन नहीं हुए तो क्या यहाँ पर ये वाला कंपाउंड बनेगा एन की वैल्यू वन रखने पर, तो हम बोलेंगे नहीं बनेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वाला कंपाउंड एल्कीन में नहीं बनता है, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। एल्कीन में जैसे यहाँ पर मीथेन बना था ना, ऐसे यहाँ पर मीथीन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर दो ही हाइड्रोजन आएंगे, जबकि कार्बन को मिनिमम चार चाहिए। यहाँ पे देखो मिनिमम चार थे कि नहीं थे, तभी तो ये कंपाउंड बना, जब यहाँ तो मिनिमम दो हो रहे हैं, मिनिमम कितने चाहिए चार चाहिए, चार होगा तभी कार्बन कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। जैसे हम एन की वैल्यू देखो दो रखते हैं यहाँ पर, तो दो रखोगे आप तो सी टू एच टू इंटू टू बनेगा, ठीक है ना। तो क्या बना सी टू एच फोर बना, तो यहाँ पर चार आ गए, मिनिमम चार होने चाहिए तभी कार्बन अपना कंपाउंड बनाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी टू एच फोर बन गया, तो सी टू एच फोर में क्या होता है इसका नाम क्या कैसे रखेंगे ई टी एच, ठीक है ना। तो ई टी एच हो गया, और ई टी एच के साथ यहाँ पर प्लस कितना कर देंगे ई एन ई, तो ये इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो बनेगा ईथीन। तो सी टू एच एच फोर जो फार्मूला होता है वो किसका होता है फ्रेंड्स, ईथीन का होता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप प्रोपेन का भी बन जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा ई एन ई जोड़ दो, ब्यूटेन में ई एन ई जोड़ोगे तो ब्यूटीन हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा, हेप्टीन हो जाएगा, इस तरीके से आप आसानी से इनको बना लोगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम एल्काइन के फॉर्मूले बनाते हैं कि एल्काइन के कैसे बनेंगे फॉर्मूले। तो सबसे पहले हम एन की वैल्यू इसमें वन रखेंगे, एन बराबर वन रखो, ठीक है। तो रख के देखो आप सी वन एच टू इंटू वन माइनस टू, टू बन जाए टू, दो में से दो घटाएंगे तो कितना बचा जीरो। अब बताओ हाइड्रोजन जीरो हो गया, हाइड्रोजन है ही नहीं है, कार्बन अकेला है,
तो क्या कार्बन अकेला हाइड्रोकार्बन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बने होते हैं उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें भी एन की वैल्यू वन रखने पर कोई भी कंपाउंड नहीं बनता है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से याद रखना है, एन की वैल्यू वन एल्केन से तो बन जाएगा, बट एल्कीन और एल्काइन में एन की वैल्यू वन रखने पर नहीं बनता है। यानी कभी भी आप एक तो मीथीन नहीं पूरी केमिस्ट्री में कहीं पढ़ोगे, और दूसरा एक मिथाइन भी आप पूरी केमिस्ट्री में कहीं नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना। क्योंकि इनसे कंपाउंड आपके बन नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम रह जाते हैं। अब हम एन की वैल्यू दो रखते हैं, तो देखो ध्यान से, सी टू एच टू इन टू टू माइनस टू, सी टू 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 या फोर, फोर में से टू गया तो सी टू एच टू बन गया, ठीक है ना। अब इसका नाम कैसे करेंगे, तो हमने क्या लिया ई टी एच, फॉर्मूला कौन सा लगाया बाई एन ई वाला, तो इसमें बाई एन ई जोड़ दो तो ये बन गया इथाइन। तो इथाइन का फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या हुआ, सी टू एच टू हुआ। क्लियर हुआ यहाँ तक। ऐसे करके आप एन की वैल्यू तीन रखोगे तो प्रोपाइन बन जाएगा, चार रखोगे ब्यूटाइन बन जाएगा, पाँच रखोगे पेंटाइन बन जाएगा, छः रखोगे हेक्साइन, ऐसे करके आपके कंपाउंड्स बनते जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको तीनों एल्कीन एल्काइन और एल्केन में तीनों में मैंने आपको जनरल फार्मूला बता दिया, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो भी बता दिया, ठीक है ना, नेमिंग कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इनमें हाइड्रोकार्बन में, एक जिसका नाम होता है होमोलोगस सीरीज, ठीक है ना। वो होमोलोगस सीरीज क्या होती है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ठीक है ना। तो मैंने देखो कुछ कंपाउंड कार्बन के कंपाउंड्स लिखे हैं, हाइड्रोकार्बन लिख रखे हैं, और होमोलोगस सीरीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज उन कंपाउंड की एक सीरीज होती है, या फिर उन कंपाउंड का ग्रुप होता है जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर सेम होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है ना। तो उन या फिर एक ही जो जनरल फॉर्मूले से मिलकर बने होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है ना। होमोलोगस सीरीज आपकी तीन टाइप की होती है, ठीक है, क्योंकि तीन आपके हाइड्रोकार्बन मैंने आपको पढ़ाए थे, एल्केन एल्कीन और एल्काइन। तो होमोलोगस सीरीज भी आपकी तीन टाइप की होगी, ठीक है। जैसे देखो मैंने यहाँ पर कुछ कंपाउंड लिखे हैं, जैसे यहाँ पर सी एच फोर, सी टू एच सिक्स, सी थ्री एच एट, सी फोर एच टेन, ठीक है ना। तो इन चारों में मैं आपसे बोलूँ कि बताइए कॉमन क्या है, अगर आपसे मैं बोलूँ कि इन चारों में कॉमन क्या है, तो आप तुरंत बोल दोगे कि सर अभी आपने बताया था कि एल्केन है ये सारे के सारे, ये जो कंपाउंड बन रहे हैं ये सारे के सारे कौन है, एल्केन है या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, या फिर ये सारे एक ही फॉर्मूले से बन रहे हैं जिसका है सी एन एच टू एन प्लस टू, ठीक है ना। यानी ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये एल्केन है, एक ही फॉर्मूले से बन रहे हैं, इस वजह से हमने इनको एक ग्रुप में रख लिया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स होमोलोगस सीरीज एक तरीके से उन्हीं कंपाउंड का ग्रुप होती है जो एक जनरल फार्मूले से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, कौन सी फैमिली, एल्केन की फैमिली। तो इस वजह से इनको हमने नाम दिया है फ्रेंड्स होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, इनको हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, क्योंकि किससे बिलोंग करते हैं, एल्केन से। और एल्केन का इन सब में जो फॉर्मूला लगा है वो किसका लगा है, एल्केन का, ठीक है। ऐसे मैं आपसे बोलूँ इनमें क्या सिमिलर है, तो आप बोलोगे ये सारे के सारे एल्कीन के फॉर्मूले से बने हैं, जैसे 5 2 10, 4 2 8, 3 2 6, 2 2 4। तो फ्रेंड्स इसको हमने एक अलग ग्रुप बना दिया और इस ग्रुप का हमने नाम ले दिया होमोलोगस सीरीज। अब ये किससे मिलके बने हैं, ऑफ एल्कीन, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन, ठीक है ना। तो एल्कीन से मिलकर बने हैं तो उसका हमने एक अलग ग्रुप बना दिया जिसको हमने बोल दिया होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन। क्लियर हुआ यहाँ तक। ऐसे ही इसमें क्या बन रहा है, इसमें बन रहा है एल्काइन बन रहा है, ठीक है ना। यानी ये सारे के सारे एक जनरल फार्मूले से मिलकर बने हैं जो किसका होता है, एल्काइन का। तो ये होमोलोगस सीरीज किसकी हो गई, एल्काइन की हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि होमोलोगस सीरीज में जो ग्रुप्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो सेम एक प्रॉपर्टी से बिलोंग करते हैं या फिर एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। या वो अगर जैसे वो सारे कंपाउंड जो आपके एल्केन से बन रहे हैं या एल्केन के जनरल फार्मूले से बन रहे हैं वो किस में रखे जाएंगे, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन में। या वो कंपाउंड जो एल्कीन के फॉर्मूले से बन रहे हैं वो किस में रखे जाएंगे, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन में। और वो कंपाउंड जो एल्काइन से बन रहे हैं वो किस में रखे जाएंगे, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो आप बताइए कमेंट करके, ठीक है। अब ये तो हो गई होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो मैं प्रॉपर्टी के बारे में अब आपको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से समझना है, मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में समझा दूंगा, जो मैं बोलूँगा उसको आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए अब इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं फ्रेंड्स। पहली जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है होमोलोगस सीरीज की, जो पहली इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स, वो होती है कि दो सक्सेसिव
होमोलोगस जो कंपाउंड होते हैं उनके बीच में डिफरेंस सी एच टू ग्रुप का होता है, ठीक है ना। यानी जो सक्सेसिव होमोलोगस कंपाउंड होंगे उनके बीच में डिफरेंस कितने का होगा, सी एच टू का होगा। अब आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो आप, देखो ध्यान से, कोई भी इसमें से इसमें से इसमें से कोई भी दो सक्सेसिव कंपाउंड आप ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। सक्सेसिव का मतलब अगर आप ये लोगे तो उसके नीचे वाला लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं आप इसे ले लो और इसे ले लो, ठीक है ना। जैसे हम इन दोनों को लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे इसको ले लो C3H8 और इसको ले लो C4H10। अब मुझे ये बताओ यहाँ कार्बन कितने हैं, तीन, यहाँ कार्बन कितने हैं, चार। आप इसमें से माइनस करो, डिफरेंस निकालो, यहाँ चार है यहाँ तीन है तो कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा। यहाँ दस है यहाँ आठ है तो हाइड्रोजन कितने ज़्यादा है, दो। तो बताओ दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हुआ, CH2 का। तो मैं ये आपको बता रहा था, ऐसे इसमें देखो आप कोई भी ले लो, इन दोनों को हम लेते हैं। तो देखो ध्यान से C5H10 और C4H8, ठीक है ना। तो आप इन दोनों में डिफरेंस बताओ, कार्बन का कितना डिफरेंस है, एक कार्बन का। यहाँ हाइड्रोजन में कितने का डिफरेंस है, दो हाइड्रोजन का, ठीक है ना। ऐसे आप इसमें से उठा के देख लो C5H8 C4H6, इसमें भी देखो कार्बन एक है और हाइड्रोजन कितने हैं, दो। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी होमोलोगस सीरीज का सेम सीरीज के दो सक्सेसिव कंपाउंड लोगे तो उनके फॉर्मूले के बीच में हमें जो डिफरेंस मिलता है फ्रेंड्स वो किस ग्रुप का मिलता है, CH2 का, ठीक है ना। पहला पॉइंट, पहली प्रॉपर्टी आपको ये याद रखनी है। दूसरी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि कोई भी दो सक्सेसिव अगर आप कंपाउंड लोगे तो उनके जो मास होता है, मॉलिकुलर मास होता है, उनके बीच में जो आपको डिफरेंस मिलेगा फ्रेंड वो मिलेगा 14 यूनिट का डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अगर आप इसका और इसका इसका आप मॉलिकुलर मास निकालो, इसका निकालो। देखो मैं निकाल के बता देता हूँ, कार्बन का कितना होता है 12, ठीक है ना, और 12 3 कितना होता है 36। 36 में अगर हम 8 प्लस करेंगे तो ये हो गया 44 यूनिट। इसमें देखो 12 12 4 जा कितना हो गया 48, 48 में अगर हम 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। अब आप 58 में से 48 माइनस करो तो फ्रेंड्स कितने बचेंगे, 14 यूनिट बचेंगे, ठीक है। तो मैं यही समझाने की बात आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो सक्सेसिव कोई भी होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड ले लो, उनके मास के मॉलिकुलर मास के बीच में आपको हमेशा ही डिफरेंस कितने का मिलेगा, 14 यूनिट का। चाहे आप इसके ले लो, इसके ले लो। जैसे मान लो हम इसका निकाल के आपको दिखा देते हैं, तो 12 दुनी 24 और 2 कितने हो गए 26। यहाँ देखो 12 तीय 36 और 4 कितने हो गए 40। बताइए दोनों में कितने का डिफरेंस हुआ, 14 यूनिट का, ठीक है। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि किसी भी दो होमोलोगस कंपाउंड लेंगे तो उनके मॉलिकुलर मास के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी ये हुई। अब हम बात करें तीसरी प्रॉपर्टी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो सेम होमोलोगस कंपाउंड होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो सभी कंपाउंड्स की कैसी होती हैं, सेम होती हैं, बट, और ये चौथा पॉइंट हो गया आपका, बट इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स वो सबकी कैसी होती हैं, डिफरेंस होती हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ो, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ो, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ो, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ो, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी आपको कैसी मिलेंगी, सेम मिलेंगी, ठीक है। ऐसी आप इन चारों की केमिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ना, चारों की केमिकल जो प्रॉपर्टी होंगी वो कैसी मिलेंगी आपको, सेम मिलेंगी, ठीक है। बट अगर आप इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी आपको डिफरेंट मिलेंगी। जनरल सी बात है, देखो इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो फिजिकल क्या होता है, जो अपनी आंखों से दिखता है। तो इसका इसके स्ट्रक्चर में एक कार्बन है, यहाँ दो कार्बन है, तो जनरल सी बात है कि स्ट्रक्चर अलग हो गया तो फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी हो गई, अलग हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से होमोलोगस सीरीज के चार प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनके जो दो मॉलिकुलर कंपाउंड्स होते हैं वो CH2 ग्रुप से डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। यानी उनके बीच में डिफरेंस किसका मिलेगा, CH2 ग्रुप का मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमने आपको बताई कि दो सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में मॉलिकुलर मास का डिफरेंस कितना होगा, 14 यूनिट का होगा, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने बताई कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, सेम। और चौथा हमने बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, डिफरेंट, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए। तो ये थी आज की क्लास हमारी, जिसमें मैंने हाइड्रोकार्बन जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अभी और आगे पूछे जाने की इनकी संभावना है वो मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं। और अगर आपको कोई भी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। क्लास कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। और अच्छी लगी है तो अपने सभी दोस्त जो किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर देना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लास हम आपके लिए लेके आते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक साइंस के या किसी भी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत।